गुजरात भारतीय जनता पार्टी के कांड के बाद केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोगों के सामने वो तस्वीरें सामने आई जहां बिल्किस बानो के आरोपियों को गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा माफीनामा दे दिया जाता है और माफी के बाद जब उनकी रिहाई होती है तो जेल से बाहर निकलते ही मिठाई खिलाई जाती है, मालाएं पहनाई जाती हैं, जिसको लेकर के देश बुरी तरीके से भड़क चुका है। और जो बड़ी बड़ी दलीलें खासतौर पर देते हुए लाल किले से नजर आ रहे थे वो अब पूरी तरीके से खामोश हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर बोला क्या जाए। क्योंकि एक तरफ तो आप ये बोल रहे थे कि साहब नारी सशक्तिकरण को मजबूत करना है और उसी के कुछ घंटे बाद नारी के अपमान करने वाली तस्वीरें लोगों के सामने आ जाती हैं, पर देश की केंद्र सरकार इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है, यानी कि चौतरफा घिर चुकी है गुजरात सरकार भारतीय जनता पार्टी के कदम के बाद केंद्र की मोदी सरकार, जिसको लेकर के सोशल एक्टिविस्ट भी मोर्चा खोल रहे हैं, जिसे लेकर के महिलाओं का गुस्सा भी सड़क पर देखने को मिल रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई दिख रही हैं। और इस पर उन तमाम वकीलों के बयान भी अब सामने आने लगे हैं जो खुल करके इन दोषियों की जो रिहाई की गई है उस पर बरस रहे हैं, जिस पर सीनियर एडवोकेट रेबेका एम जॉन ने बड़ा बयान दिया है, कहा क्या गलतियां हुई हैं, उन चीजों को लोगों के सामने रखा है, क्या कुछ वरिष्ठ वकीलों का इस पर कहना है और क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपराधिक कानून विशेषज्ञ और वरिष्ठ एडवोकेट रेबेका एम जॉन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने में गलती की है कि गुजरात राज्य के पास बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा की छूट का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र का है। लाइव लॉ के साथ एक इंटरव्यू में रेबेका जॉन ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432/7 के अनुसार वे राज्य जहां मुकदमा चलाया गया और जहां सजा सुनाई गई थी उसके पास छूट के लिए आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। वरिष्ठ वकील ने समझाया कि इस स्थिति को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में दोहराया गया है, जिसमें 2015 में संविधान पीठ के फैसले में भारत बनाम बी श्रीहन मुगरन केस शामिल है। चूंकि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र राज्य को ट्रांसफर कर दी गई थी और मुंबई में एक सत्र न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी, महाराष्ट्र सरकार की छूट पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार थी, ना कि गुजरात सरकार। इस संबंध में कानून बहुत स्पष्ट है, क्योंकि धारा कहती है कि उपयुक्त सरकार उस राज्य की सरकार है जिसके भीतर अपराधी को सजा सुनाई जाती है या उक्त आदेश पारित किया जाता है। मई 2022 में बिल्किस बानो मामले में दोषियों में से एक द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच राधेश्याम भगवान दास शाह और लाल वकील बनाम गुजरात राज्य मामले में फैसला सुनाया कि छूट आवेदन गुजरात सरकार द्वारा निर्णय लिया गया क्योंकि अपराध गुजरात राज्य में हुआ था। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने वी श्रीहन के फैसले पर भरोसा करते हुए दोषी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि छूट का फैसला महाराष्ट्र सरकार को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस विचार को मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि परीक्षण के समिति उद्देश्य के असाधारण परिस्थितियों के कारण मामला महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया गया है। मुकदमा आमतौर पर गुजरात में होता और चूंकि दोषियों को मुकदमे के बाद गुजरात की एक जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए गुजरात सरकार के पास अधिकार क्षेत्र होगा। रेबेका ने फैसले के उस हिस्से को पढ़ा उपयुक्त सरकार की परिभाषा के संबंध में। सीआरपीसी की धारा 432/7 थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाती है।
ये उन मामलों में केंद्र सरकार को उपयुक्त सरकार के रूप में परिभाषित करती है जहां सजा अपराध के लिए है। किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। इस अर्थ में यह उसी सिद्धांत से चलता है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 73 और आईपीसी की धारा 55 ए में है। इसमें आगे दर्ज है कि उन मामलों के अलावा जहां केंद्र सरकार एक उपयुक्त सरकार है, उस राज्य की सरकार जिसके भीतर अपराधी को सजा सुनाई जाती है वह उपयुक्त सरकार होगी। दूसरे शब्दों में इसका सार सम्मान है और यह किसी में नहीं है। एक तरफ अनुच्छेद 162 और दूसरी तरफ आईपीसी की धारा 55 ए के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 73 के सिद्धांत से अलग है। उस राज्य के बारे में विनिर्देश जहां अपराधी को सजा सुनाई जाती है एक कार्यकर्ता है और पूरी तरह से अलग उद्देश्य और एक से अधिक राज्य सरकारों के बीच खोजने में मदद करता है, जो मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह और अन्य मध्य प्रदेश राज्य बनाम अजीत सिंह और अन्य हनुमंत दास बनाम विनय कुमार और अन्य सरकार में कहा गया है कि एपी और अन्य बनाम एमटी खान ने इस प्रावधान के अनुसार भले ही राज्य ए में कोई अपराध किया गया हो लेकिन अगर मुकदमा होता है और राज्य बी में सजा सुनाई जाती है तो यह बाद वाला राज्य है जो उपयुक्त सरकार होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह 1976-3 एससी 470 और हनुमान दास बनाम विनय कुमार और अन्य 2 एससी 177 जैसी पूर्ववर्ती मामले सामने आए हैं। गुजरात सरकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए जैसा कि असाधारण परिस्थितियों के कारण मुकदमा ट्रांसफर किया गया था। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि मामला असाधारण परिस्थितियों के कारण ट्रांसफर किया गया था और इसलिए गुजरात सरकार की ओर से पूर्वग्रह की आशंका पैदा होगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में केस ट्रांसफर की परिस्थितियां असाधारण थी और इसलिए ये पूर्वग्रह के आरोपों को जन्म देती है। गुजरात सरकार छूट के आवेदनों पर विचार नहीं कर सकती थी क्योंकि महाराष्ट्र में परीक्षण पूरा हो गया था, जिसकी तस्वीरों को समझाने की कोशिश वरिष्ठ वकील द्वारा की गई है और गुजरात सरकार के इस कदम को सिरे से खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास कोई फैसला ही नहीं था फैसला लेने का, और अगर फैसला लेना था तो महाराष्ट्र सरकार को लेना था जहां महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर एक गुत्थी को उलझाया है, उस गुत्थी को सुलझाने का काम वरिष्ठ वकीलों द्वारा कर दिया गया है और अंत में जो फैसला लिया जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई द्वारा लिया जाएगा और सीजीआई का क्या स्टैंड रहेगा बिल्किस बानो को लेकर के ये भी तस्वीरें देखने और समझने वाली होंगी, क्योंकि बीजेपी विधायक तो ये कह चुके हैं वो ब्राह्मण हैं और संस्कारी भी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।